ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, बहिनौनी व आसपास की पंचायतों के लोग भी सुषमा स्वराज के इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाने से आहत हैं। वही सुषमा स्वराज के निधन के बाद करीब 6 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने नौणी के पंचायत हॉल में इकट्ठा होकर बाप बिनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं नौणी आसपास की पंचायतों के लोग भी सुषमा स्वराज की इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाने से आहत हैं। वहीं सुषमा स्वराज के निधन के बाद करीब 6 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने नौणी के पंचायत हॉल में इकट्ठा होकर बाप बिनी श्रद्धांजलि दी। लोगों ने इकट्ठा होकर पहले दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं जिला सोलन के पर्यटन प्रकोष्ठ के सदस्य जगदीप सिंह कंवर ने कहा कि आज का दिन संपूर्ण भारत के लिए दुख का दिन है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सामर्थ्य प्रदान करें। आज का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत दुख का दिन, दुखी घड़ी है। हमारी पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी इस दुनिया में से अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके प्रभु चरणों में लीन हो गई हैं। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें तथा इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सामर्थ्य प्रदान करें। आज यहाँ नौणी में यहाँ 6 पंचायतों से लोग एकत्रित हुए थे और सुषमा स्वराज जी को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि सभी ने अर्पित की।